नमस्कार, मैं ज्योति, आप सबका ज्योतिष किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे तीन अलग अलग फ्लेवर वाले ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका। पहले वाला प्लेन सॉल्टेड ऑरेंज ब्रेड क्रम और सीजनिंग ब्रेड क्रम। ये ब्रेड क्रम्स आप कोई भी वेज स्नैक्स, नॉन वेज स्नैक्स, स्टार्टर्स या ऑमलेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुरकुरे ब्रेड क्रम्स आप फ्रीजर में एयर टाइट कंटेनर में रखकर 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ब्रेड क्रम्स हम बिना ओवन के, बिना कलर के बनाएंगे। बनाने में आसान, कम समय में बनने वाले ये ब्रेड क्रम्स पूरी तरह से होममेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी ब्रेड क्रम्स की। तीन अलग अलग फ्लेवर वाले ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 ब्रेड के स्लाइसेस। स्लाइसेस आप देख सकते हैं पूरी तरह से फ्रेश है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट है। अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे छोटे हिस्सों में हम काट लेंगे। तो काटते वक्त सबसे पहले हम ये जो आउटर वाला लेयर है ये निकाल के हम बाजू में रखेंगे। ब्रेड स्लाइसेस का ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम 2 तरह के फ्लेवर्स बनाएंगे, और ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे हम 1 तरह का फ्लेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। इस तरह से ये सभी स्लाइसेस हमें काट लेने हैं, और यहाँ पे हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस कट करके हो चुके हैं। एक बॉल में हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस, इस बॉल में 4 ब्रेड के स्लाइसेस और इसमें 8 ब्रेड के स्लाइसेस पर ये ऊपर वाले जो कॉर्नर्स रहते हैं उनके ये टुकड़े हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या कि इन ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सर के जार में ट्रांसफर करेंगे और इनको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा ही पीस लेना है। और अब सभी ब्रेड के स्लाइसेस को हमने इस तरह से पीस लिया है। अब ये जो क्रम्स है ये सॉफ्ट वाले क्रम्स है, इसको हमें थोड़ा कुरकुरा बनाना है, और कुरकुरा बनाने के लिए हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इन तीनों को 3 अलग अलग फ्लेवर में बनाएंगे। पहला वाला बनाएंगे प्लेन, जिसमें सिर्फ नमक होगा। दूसरा वाला बनाएंगे ऑरेंज ब्रेड क्रम। तीसरा वाला बनाएंगे सीजनिंग ब्रेड क्रम। तो चलिए अब हम इसे रोस्ट करना शुरू करते हैं। ब्रेड क्रम्स रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक थिक बॉटम वाला नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है। अब गैस को धीमे आंच पे चलाते हुए इन ब्रेड क्रम्स को हम इसमें रोस्ट करना शुरू करेंगे। बिल्कुल धीमे आंच पे रखते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि बिना कुछ डाले इसे बस चला लेना है। करीब 1.5 से 1 मिनट इस तरह से भून लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस 1/2 टीस्पून हम मिलाएंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डालने से ब्रेड का जो मीठापन है वो निकल जाएगा, और जब भी आप इसे स्नैक्स के लिए यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा टेस्टी भी लगेगा। इस तरह से बस 2 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। इस तरह से भून लेने से ब्रेड के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और ये कुरकुरा बन जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर भी चेंज हो रहा है, और अब हमारा ये प्लेन सॉल्टेड ब्रेड क्रम तैयार हो चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे ऑरेंज कलर वाला ब्रेड क्रम, पर हम इसमें कलर ना इस्तेमाल करते हुए रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे। तो गैस को धीमे आंच पे चलाते हुए इस ब्रेड क्रम पे हम 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और ब्रेड का मीठापन निकालने के लिए थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब इस ब्रेड क्रम को हम बिल्कुल धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। मार्केट में जो ऑरेंज वाला ब्रेड क्रम मिलता है उसमें कलर मिलाया हुआ होता है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो इस तरह से आप घर में तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल हाइजीनिक भी हो जाएगा
और बिना कलर के आप घर पे भी बना सकेंगे। जब आप कोई भी नॉनवेज वाला स्नैक्स बनाते हो तो इसके लिए ये ऑरेंज वाला ब्रेड क्रम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई बार आपने देखा होगा चिकन नगेट्स का जो कलर होता है वो थोड़ा ऑरेंज कलर होता है, तो उसमें इस तरह के ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया होता है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे सीजनिंग ब्रेड क्रम। गैस को चालू करते हुए धीमे आंच पे चलाते हुए हम इसे भून लेंगे और भूनते वक्त हम इसमें बाकी का मसाला डालेंगे, जैसे कि नमक आधा चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, पिज्ज़ा सीजनिंग 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर करीब आधा चम्मच। इस ब्रेड क्रम का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा और साथ ही साथ थोड़ा तीखा भी होता है। इसको भी 2 फ्लेम पे रखते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाएंगे। सीजनिंग ब्रेड क्रम का इस्तेमाल ज़्यादातर KFC चिकन लेग पीस बनाने के लिए किया जाता है। KFC स्टाइल का लेग पीस आपने कई बार देखा होगा, उनका जो ऊपर का लेयर होता है वो पूरी तरह से क्रंची होता है, यानी कि पूरी तरह से कुरकुरा होता है। जब भी आप KFC स्टाइल का लेग पीस बना रहे हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्रंची हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से कुरकुरा हो चुका है। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं। और अब ये हमारा सीजनिंग वाला ब्रेड क्रम पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ये कुरकुरे ब्रेड क्रम्स आप फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में रख कर 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं।